अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स वर्दा ताइफ में। बारिशों की वजह से बंद था, मेरी कोशिश थी ईद के दूसरे तीसरे दिन आपको यहाँ के मनाजिर में दिखाऊँ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स का, लेकिन बंद था। तो आज बारिश भी हुई लेकिन हल्की सी हुई, लेकिन आज मैंने इसे देखा खुला हुआ है तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ यहाँ का सफ़र शेयर करते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर किस तरह मनाया जाता है। तो चलें मेरे साथ रहिए और आके चल के आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या है। और हमारे साथ होंगे हमजा भाई। हमजा भाई आप पीछे क्यों खड़े हो? हमजा भाई हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। चलो हमजा भाई अब चल के देखते हैं क्या क्या है इस फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स में। अच्छा, जो हम लोगों ने पहली चीज़ यहाँ ढूंढी थी वो ये थी कि यहाँ स्केचर्स बना रहे थे। वो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं सामने स्केचर बनाने वाले बैठे हुए हैं, वो स्केचर बनाते हैं। वो वहाँ से आप तस्वीर लेंगे बच्चे की और फिर उन्हें दिखाएंगे और उस तरह से वो स्केच बनाएंगे जो भी आप स्केच बनवाना चाहते हैं। यहाँ कोई तकरीबन 5-6 स्केच बनाने वाले बैठे। अच्छा, इसकी कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, फ्री पे है और हर साल ईद में यहाँ होता है ताइफ में। रुद्दफ की साइड पे है, रुद्दफ पार्क ही से कहा जाता है, वहाँ होता है हर साल। और हर कोई अपनी तस्वीर खिंचा रहा है और स्केच बनाना रहा है यहाँ से। अच्छा, इस पार्क में माशाल्लाह 3D लाइट का काफ़ी काम किया गया है। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर 3D लाइट के काफ़ी खूबसूरत मनाजिर हैं और काफ़ी बेहतरीन भी हैं माशाल्लाह। और इसके बाद हम आगे जा रहे हैं जहाँ अलउला में जिस तरह से उन्होंने एक स्क्रीन लगाई हुई थी और आपके रिफ्लेक्शन के साथ वो मूव करते हैं फ्लावर, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे फिर। ये सेंसर के साथ काम करता है। आप यहाँ फ्लावर को जैसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, जैसे मैं अब हाथ हिला रहा हूँ, तो ये ऊपर नीचे जाएंगे। यहाँ वाटर फाउंडर भी है और वो चालू हो चुका है, तो चलें अब वहाँ जाके आप लोगों को वो दिखाते हैं। म्यूजिक काफी लाउड है, कोशिश करेंगे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, कुछ मैनेज कर लेंगे हम लोग। और ये देखिए और यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट है, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ बर्गर पिज़्ज़ा आपको इजीली मिल जाएगा और कुछ स्टॉल भी लगे हुए हैं इस वक्त फ्लावर्स के, वो भी दिखाते हैं। आगे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं कॉफ़ी शॉप्स, चिप्स और कुछ मीठों के। ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي
والعين شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي دامت مسعي العياد وش باقي غير العياد في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي دامت مسعي فيه الفرحة معهودة افرح وانسى احزانك فيه الضحكة معسولة داعبها بكل اشجانك فيه الفرحة معهودة افرح وانسى احزانك فيه الضحكة معسولة علمك كل الحانك ردد كلمة منشودة عيد مبارك بالحانك خلي العيد بحلولك فرحة وسامر خلانك فرحة وسامر خلانك अच्छा बच्चों के झूले भी हैं और ये कुछ जिम के लिए हैं लेकिन बच्चे यहाँ भी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं और झूले बना के इन्हें खेल रहे हैं और काफ़ी वसी है ये पार्क कोई एक घंटा तकरीबन लग जाएगा और सामने आप तो देख रहे हैं यहाँ अरबिक कॉफ़ी मिलती है और वहाँ अलग अलग तरह के स्टॉल हैं जैसे गुलाब के फूल ताइफ के काफ़ी मशहूर हैं और गुलाब का अर्क ये काफ़ी मशहूर है ताइफ में क्योंकि यहीं होता है। मैं ढूंढ रहा हूँ इस वक्त जो फ्लावर फेस्टिवल है जहाँ फ्लावर लगे हुए हैं अब वहाँ जाएंगे वहाँ देखते हैं किस तरह से इन्होंने सजाया हुआ और ये हम लोग पहुँच चुके हैं फ्लावर पे यहाँ फ्लावर सजाए हुए और इन्होंने बहुत सारे सजाए थे लेकिन बारिशों की वजह से कुछ दरहम बरहम हो गए इनका काम क्योंकि फ्लावर इतनी सर्दी सह नहीं सकते जितनी अब सर्दी हुई पड़ी है ताज में आज कुछ कम है लेकिन दो दिन पहले काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से इस बार फ्लावर काफ़ी कम है लेकिन ये फेस्टिवल तकरीबन कोई 15 दिन रहेगा तो जिसे आना हो ताइफ रुतुफ़ में वो आ सकता है और काफ़ी बेहतरीन है और फैमिली के साथ तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को और ईद इंजॉय करेंगे और फ्री में है। जद्दा में कुछ ऐसे फेस्टिवल हो रहे हैं लेकिन वहाँ आपको पे करना पड़ता है और यहाँ पे नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पुल के ऊपर जाके ना आप लोगों को इसके नज़ारे दिखाते हैं इस तरह से ये बसें भी चल रही हैं डबल स्टोरी वाली आप लोगों को अगर एक टूर कराती हैं पूरी कुछ तकरीबन 35 से 50 रियाल ले रही हैं एक फैमिली के लिए भी है अवेलेबल छोटी होती है और ये बस के साथ होती है जिसके ऊपर दो फ्लोरों के साथ होती है। अच्छा यहाँ नकली फूल लगे हुए हैं ओरिजिनल नहीं है लास्ट टाइम मैं जब आया था तब ओरिजिनल थे शायद बारिश की वजह से इन्होंने फिर हटा दिए। अब आप लोगों को ऊपर से मनाज़िर दिखाएंगे जो इन्होंने फ्लावर सजाए हैं माशाल्लाह काफ़ी वसी है आप लोगों को कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे और हर एक्टिविटी एक से अलग अलग जगह पे है तो आप घूमते रहेंगे और एक्टिविटीज भी देखते रहेंगे और वो सामने ज़ू है ताइफ का ज़ू वहाँ भी कभी जाएंगे इंशाल्लाह और ये देखिए काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत फ्लावर सजाए गए हैं यहाँ।
ये मसाजिद हैं, ये मर्दों की मस्जिद है और दूसरी लेडीज़ के लिए, और वॉशरूम भी अवेलेबल हैं और दो तीन मसाजिद हैं यहाँ। और यहाँ बच्चों के खिलौने भी हैं, बच्चों के झूले, सॉरी खिलौने नहीं झूले, यहाँ बच्चे इजीली झूले खेल सकते हैं फ्री में, और काफ़ी वसी जगह है यहाँ बच्चों के झूले की। अच्छा, यहाँ फूड एक्टिविटी यानी कंपटीशन भी रखा हुआ है, बच्चों को भी बुलाते हैं और उनसे तरह तरह के फलों और सब्जियों के नाम पूछते हैं, फिर उनको गिफ्ट भी दिया जाता है और बड़ों से खाना भी बनवाते हैं। जिस वक्त ये दो स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ कंपटीशन चल रहा है, जो अच्छा बनाएगा उसे फिर गिफ्ट भी दिया जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तकरीब थी। ردت كلمة منشودة عيد مبارك بالحاني خلي العيد بحلولة فرحة وسامر خلاني فرحة وسامر خلاني والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي دامت مسعي بلجتنا انه يلا اللي تحبون في حزتها الاعياد وش باقي غير الاعياد تو माशाल्लाह घूम लिया और काफ़ी अच्छी प्लेस है, फैमिली के साथ आना चाहिए एक बार। और इस तरह के और भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं जद्दे में, वहाँ भी कोशिश करेंगे जाने की। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।